हेलो गाइस, आज हम मैगी नूडल्स बनाने वाले हैं और आज की रेसिपी हमारी शुरू होने वाली है। हमने मारियो मसाला नूडल्स लिए हैं, आप कोई भी मैगी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और हमने बारीक कटी हुई प्याज ली है, हमने दो टमाटर लिए हैं, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, एक हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया। और आप देखिए, अब हमने इसमें 2-3 चम्मच तेल ले लिया है और वो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी कटी हुई प्याज। और 1/4 चम्मच, आधा चम्मच समझ लीजिए आप, इतना डालिए, आधा चम्मच जीरा। हल्का सलाल करने के बाद प्याज को फिर वो अपने मसाले डालेंगे। अब हमारी प्याज थोड़ी लाल हो चुकी है, अब हम इसमें अपना अदरक का लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1/4 चम्मच ही लेना है। और इसके बाद हमने जो अपने टमाटर पीसे थे, अब हम इसमें वो डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची। और हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि हम इसके मसाले को भून सकें। तो हमारा मसाला भूनने पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, इतना पानी डालना है कि हमारी मैगी गल जाए। हमारे पानी में पक्कन आ चुकी है, अब हम इसमें अपनी मैगी और हरी मिर्च डाल देंगे, जो हमने हरी मिर्च 1 काटी थी। अब हम इसमें अपनी मैगी डाल रहे हैं, नूडल्स जो हमने लिए थे। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे जितने कि हमारा ये सारा पानी खुशक हो जाए और हमारी नूडल्स तैयार हो जाएं। और जो हमारा नूडल्स के साथ हमारा मसाला निकला है, हम वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए प्लेट से कवर कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे को 5-6 मिनट हो चुके हैं अपनी मैगी को करके। और आप देखिए, हमारी मैगी बिल्कुल तैयार है। अब हम अपने फ्लेम को बंद कर रहे हैं। हमने अपना फ्लेम बंद कर दिया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हमारी मैगी बिल्कुल तैयार है, आप इसको ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको मैगी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखकर हमें भेजें। शुक्रिया।